दोस्तों फेफड़े हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम फेफड़ों के जरिए ही सांस लेते हैं। सांसें हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फेफड़ों का काम वातावरण से हवा को लेना, फिर ऑक्सीजन को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ना है। ये ऑक्सीजन धमनियों और रक्त के सहारे दिल तक पहुँचता है और फिर वहाँ से शरीर के बाकी अंगों में पंप किया जाता है। इसलिए हमारे शरीर के लिए फेफड़े बहुत जरूरी हैं। हमारे खानपान का असर हमारे फेफड़ों पर भी पड़ता है। गलत खानपान और हवा में घुले प्रदूषण के कारण फेफड़े संबंधी कई रोग जैसे टीबी, अस्थमा, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और फेफड़े का कैंसर आदि का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां रखें और सही आहार लें तो फेफड़ों के इन रोगों से आसानी से बचा जा सकता है। फेफड़ों के लिए विटामिन सी बहुत फायदेमंद है। विटामिन सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है, जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, अनानास और आम आदि। इसके अलावा विटामिन सी वाले आहारों का सेवन करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। फेफड़ों के लिए लाइकोपीन वाले आहारों का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इन आहारों में कैरोटीनॉइड होता है। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो अस्थमा से बचाता है और फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम करता है। लाइकोपीन के लिए आप टमाटर, गाजर, तरबूज, पपीता, शकरकंद और हरी सब्जियां खा सकते हैं। लहसुन को कफनाशक समझा जाता है। भोजन के बाद लहसुन का सेवन करने से छाती साफ रहती है और कई रोगों से रक्षा होती है। लहसुन में एलिसिन होता है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा लहसुन में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अस्थमा रोगियों को अपने आहार में लहसुन को जरूर शामिल करना चाहिए। मुनक्का के ताजे और साफ 15 दाने रात में 150 मिलीलीटर पानी में भिगो दें। सुबह बीज निकालकर फेंक दें। गूदे को खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। बचे हुए पानी को पी लें। एक महीने तक इसका सेवन करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। तुलसी के सूखे पत्ते, कत्था, कपूर और इलायची समान मात्रा में ले लीजिए। इसमें 9 गुना चीनी मिलाकर बराबर मात्रा में पीस लें। इस मिश्रण की चुटकी भर मात्रा दिन में 2 बार खाएं। इससे फेफड़ों में जमा कफ निकल जाता है।